बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमेजी में किचन, और हमेशा मैं आपको होममेड मसाले सिखा रही होती हूँ। तो आज मैंने सोचा मैं अपनी शान नहारी की रेसिपी सिखाऊंगी, कितनी मज़े की बनती है। और सब मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे बनाती हो, जबकि मैं वही शान का पैकेट इस्तेमाल करती हूँ जो काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो 1 किलो बीफ का बोन मीट लिया हुआ है, बड़े बड़े पीसीस हैं। इससे नहारी, जो एक्चुअल नहारी बनती है, वो बोन के मीट से बनती है। 1 किलो मैंने हड्डियाँ ली हैं, ये देखें, इसमें नलकी वाली गुद वाली हड्डियाँ हैं, ये गाय का गोश्त और हड्डियाँ हैं। और 1 दरमियाने साइज़ की प्याज है, मैंने बड़े बड़े चॉप्स कर लिए हैं। अदरक लहसुन है, और 2 लीटर पानी है जो कि मैं कुकर में पका रही हूँ, इस वजह से मैं 2 लीटर पानी ले रही हूँ। अगर आप बग़ैर कुकर के बनाएं तो ओवरनाइट इसको हल्की दरमियानी से हल्की आँच पर पकने रख दीजिएगा आप, 4 लीटर पानी डाल के। सही है, ये देखें बड़े पीसीस हैं। निहारी में कभी भी छोटे पीसीस ना लिया करें। इसमें मैंने अदरक लहसुन भी डाल दिया, प्याज भी डाल दिया, और 1 टेबलस्पून नमक, और 2 लीटर पानी डाल के मैं कुकर में पकाऊंगी। सीटी बजने के बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट ये पकता है। हर एक का कुकर का आइडिया होता है, आप उसमें पका के गला लीजिएगा। दावत थी इसलिए मैंने कुकर में बनाया। जब ये पक जाएगा तो मैं इसको साइड पर रखूँगी। और अब आ जाते हैं इसके भगार की तरफ, यानी फ्राई क्या करना है। अब हमने ले लिया 3 टेबलस्पून ऑयल। अगर आप ज़्यादा ऑयल का यूज़ करते हैं, घी पसंद करते हैं, तो आपकी चॉइस है। तो 3 टेबलस्पून ऑयल में मैं डालूँगी 1 अदद दरमियाने साइज़ की बहुत फाइन प्याज। तो ये इसमें प्याज फ्राई हो जाएगी। ये मैं दावत के लिए ही बना रही हूँ, हमारे घर काफ़ी बड़ी दावत थी। तो मैं काफ़ी सारी रेसिपीज़ बनाती हूँ, काफ़ी डिशेस रखती हूँ, तो नहारी ज़रूर बनाती हूँ। नहारी बहुत अच्छी रहती है, बहुत मज़े की लगती है और पसंद आती है लोगों को। तो इसके अंदर जब प्याज फ्राई हो जाएगी तो अच्छे से इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, 1 से 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। बहुत डार्क ब्राउन हो गई थी प्याज, इतना ब्राउन ना करिएगा, गोल्डन ब्राउन करिएगा। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट जब हमारा भून जाएगा तो हम इसमें पहले गोश्त डालेंगे, जो हमारा पका हुआ है। गोश्त और हड्डियाँ हमारी पक चुकी थी, आपको बताया था मैंने कि एक साइड पर रख दिया। तो अब ये आपकी मर्ज़ी है कि हड्डियाँ आप ऐड करें या ना करें। हम लोग थोड़ी सी हड्डियाँ मैं डाल देती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है, हड्डियों में गुद होता है, तो वरना आपकी मर्ज़ी है, आप सिर्फ गोश्त भी डाल सकते हैं। तो इसको जो है इस फ्राई प्याज और अदरक को हमने इसके साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे करके भूनना है। बड़ी कवगी ले लीजिएगा आप। ये देखें शान का निहारी का मसाला है, ये मैंने इस्तेमाल करना है। इसमें आप ऐसा करें कि ये 1 पैकेट डाल दीजिएगा, वैसे कम पड़ेगा, इतना सारा क्वांटिटी का है, थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं। सही है, अगर आपको ज़्यादा मसाला चाहिए, मगर मैंने 1 पैकेट यूज़ किया है। अब इस मसाले को जो है मैंने थोड़ा सा हल्की आँच पर भूनूंगी, तेज़ आँच नहीं करिएगा वरना जलने लग जाएगा। और वैसे भी देखिए यखनी का भी इसमें पानी थोड़ा सा निकला है, तो इसको थोड़ा सा भूनेंगे ना, जब ऑयल ऊपर आने लगेगा उसके बाद हम यखनी डालेंगे। यखनी क्या होती है, हम यखनी बोलते हैं, हम लोग हैदराबादी हैं तो हम लोग यखनी कहते हैं, वैसे इसके आप सूप कह लें जो पकाया है। अब आपको पता है रेसिपी में लिखा होता है कि आप इसमें मैदा या आटा डालेंगे, तो मैंने एक छोटा सा कप, ये देखें छोटा कप चाय का होता है या बच्चों का ये मग है, इसको हमने घोल लेना है पानी में। और ये यखनी हमारी है, ये भी हमने डाल देनी है, क्योंकि हमारा गोश्त और हड्डियाँ जो है इसमें भून गई थी, तो मैंने हड्डी इसमें यखनी डाल दी। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और आटा डालेंगे, आटा घोल के डालना है। और मैं छन्नी का भी इस्तेमाल करती हूँ, छन्नी इस्तेमाल इसलिए करती हूँ कि कोई मोटे मोटे लम्स ना बने। ये देखिए मैंने अच्छे से खोला है, जल्दी जल्दी, जैसे मैं टाइम नहीं था मेरे पास, मैं दावत की वजह से थोड़ी बिजी थी, तो आप ये थोड़े से साबित भी आ गया है। अच्छा, जैसे ही आप आटे को डालेंगे, चूल्हा जल रहा है मुस्तकिल जब से मैंने प्याज फ्राई की थी, तो आप इसको जल्दी नहीं मिक्स करिएगा, वरना क्या होगा, मोटे मोटे घुटले बन जाते हैं आटे के, वो अंदर गरम गरम जब होता है ना उसमें जाके गोले बन जाते हैं। तो आपने अच्छे से मिक्स करना है एहतियात से कि गोश्त ना टूटे। अच्छा, मेरा गोश्त बहुत सॉफ्ट नहीं था। अब ये मज़ीद 15-20 मिनट या आधा घंटा आप इसको हल्की आँच पे छोड़ देंगे ना, बहुत मज़े का पक जाएगा इसको, जितना ये इसके जो हड्डियों और गोश्त में सारा मज़ा मसाले का चला जाएगा, और शान का पैकेट बहुत मज़े का बनता है। अब ये देखें मेरी नहारी तैयार हो गई, तो मैंने इसको नीचे फ्लोर पर रख दिया, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा सामान भर जाता है दावतों में, कितना भी बड़ा किचन हो छोटा होता है। अब मैं ऊपर से तड़का लगाती हूँ। अब ये तड़का भी आप देख लें कि ऊपर जो लाल रंग होता है, मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है 1 टेबलस्पून, उसमें मैंने थोड़ा सा शान का मसाला 1 चम्मच लेके थोड़े पानी में मिक्स करके इसको फ्राई कर लिया। आप चाहें तो लाल मिर्चों का
पाउडर भी आप फ्राई करके डाल सकते हैं, सही है, दुकान वाले ऐसे ही करते हैं। ये इसका ऊपर से तरी आ जाती है, क्या कह लें आप, तड़का आ जाता है, उसमें अदरक भी मैंने फ्राई की थी ऊपर से, अदरक, हरी मिर्चें, हरे धनिए और जो है लेमन के साथ आप इसको सर्व करिएगा।